दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक डार्क मिनिमल कस्टमाइजेशन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर है। अभी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके सामने होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। इस होम स्क्रीन को आप किसी भी Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo, OnePlus एंड अदर एंड्रॉयड डिवाइस में भी ईजिली अप्लाई कर सकते हो। आपको दो विजिट को ऐड करना है एंड वॉलपेपर ऐड करना है एंड कंप्लीट आपका होम स्क्रीन सेटअप कुछ इस टाइप से रेडी हो जाएगा। अब देखो आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर पाओगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर होने वाली है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेटअप को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स करना पड़ेगा। सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है तो कर लेना। यहाँ पे जो भी आपके सामने डिफॉल्ट विजिट है या फिर कोई भी आपने आइकन होम स्क्रीन के ऊपर अप्लाई कर रखा है उसको रिमूव कर देना। बस आपको बॉटम में यहाँ पे चार आइकन को ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं पहले Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइस के बारे में। तो थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना। अब देखो ओपन करने के बाद आपको ये वाली थीम सर्च करना पड़ेगा। अभी देखो मेरे स्मार्टफोन में MIUI का वर्जन है। अब देखो काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके स्मार्टफोन में HyperOS का वर्जन भी अवेलेबल है, तो अब देखो उसमें ये वाली थीम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ओनली ये वाली थीम MIUI में अवेलेबल है। तो आप क्या करना, इस वाली थीम की जगह आप व्हाइट आइकन वाली कोई भी एक डिफरेंट थीम यूज कर सकते हो। व्हाइट गोस्टी भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं थीम का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा। ये वाली थीम आप डाउनलोड कर लेना HyperOS में। अगर आपको MIUI में भी ट्राई करना है तो उसको उसमें भी कर सकती हो। अब देखो ये वाली थीम आपको सर्च करना है। स्टाइल आप जैसे टाइप करोगे, मेरे स्मार्टफोन में सेकंड नंबर पे आ रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड उसके बाद कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड आइकन्स के ऊपर इसको अप्लाई कर दूंगा। अभी आप यहाँ पे क्रिएटर का नेम देख सकते हो एंड ये वाली थीम 10 MB की थीम है तो डाउनलोड कर लेना। अब देखो ये तो गई Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइस की बात। अब बात करते हैं अदर एंड्रॉयड डिवाइस के बारे में। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है नोवा लॉन्चर। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है वाइड आइकन पैक। अब देखो काफी सारे फ्री आइकन्स देखने को मिलते हैं, जो भी आपको पसंद आता है सिंपल उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है। अब देखो ये वाला एप्लीकेशन आपको Xiaomi, Redmi एंड Poco डिवाइस में भी अप्लाई करना है। अब सभी स्मार्टफोन में आप जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, बट मैं आपको पहले ही बता दूं प्ले स्टोर पे आपको ये वाला एप्लीकेशन पेड वर्जन देखने को मिलेगा। इसको आप गूगल या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री निकाल सकते हो। ये वाला एप्लीकेशन है। अब देखो तीनों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद विजिट को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन के ऊपर जूम इन करना, विजिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आपको कस्टम विजिट देखने को मिलेगा। 1:1 की विजिट को यहाँ पे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद साइज में आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सेट करना है, तो इसको कुछ इतना कर देना। अब देखो यहाँ पे एक लेयर में अभी, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड तीन लेयर में आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद डिफॉल्ट को यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद वापस से विजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना। अब जो वापस से आपको कस्टम विजिट को ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसकी साइज को भी आपको सेम इस टाइप से ही ऐड करना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दोनों साइज आपको 3:3 में ऐड करना है। अब देखो जैसे आप ऐड कर दोगे, पहले आप होम स्क्रीन वॉलपेपर चेंज कर लेना। तो होम स्क्रीन वॉलपेपर के लिए हम ये वाला वॉलपेपर यूज़ करेंगे। अब देखो काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी देखने को मिलती है। अब क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसका वेट जरूर करना। अब आपके सामने कुछ ऐसी क्वालिटी देखने को मिलेगी, तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना एंड इसको सेट होम स्क्रीन वॉलपेपर कर देना। अब देखो आप जैसे इसको सेट होम स्क्रीन वॉलपेपर कर दोगे तो आपको विजिट को ऐड करना है। तो विजिट को ऐड करने से पहले इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो कस्टम विजिट एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड कर लोगे इसके ऊपर टैप करके रखना। ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना। यहाँ पे ऐप परमिशन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना एंड जो फाइल्स एंड मीडिया वाला फोल्डर है इसको अलाउ कर देना। अब देखो आपके स्मार्टफोन में हो सकता है ये वाला फोल्डर स्टोरेज के नाम से देखने को मिले, तो उसको आप ऑन कर देना। अब देखो जैसे ऑन करोगे आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली विजिट के ऊपर टैप करना है। तो फर्स्ट वाली विजिट ये देखने को मिलती है, इसके ऊपर टैप करना। कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको एक्सप्लोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी देखो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो विजिट देखने को मिलेगी, उनको आप डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको उस विजिट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में ये वाली विजिट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। आपको 5 से 10 सेकंड का वेट करना है। अब देखो फर्स्ट वाली विजिट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है एंड आपको बस कुछ भी नहीं करना, साइज ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे सेव वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है।
एंड सेकेंड वाली को भी आपको कुछ इस टाइप से ही ऐड करना है। जैसे आप ऐड कर दोगे आपका कंप्लीट होम स्क्रीन सेटअप रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होम स्क्रीन सेटअप है। वॉलपेपर की क्वालिटी, विजिट की क्वालिटी एंड आइकन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपर है एंड कंप्लीट आपका होम स्क्रीन सेटअप चेंज हो जाएगा। इसको आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। अब देखो आप Xiaomi का स्मार्टफोन है तो आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना। अब देखो ओपन करने के बाद आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना है। हो सकता है HyperOS में ये वाली थीम देखने को ना मिले, बट यार देखो मैंने HyperOS में देखा है तो काफ़ी सारी ऐसे थीम्स देखने को मिलती है जिसमें आपको सेम ये वाले विजिट देखने को मिल जाती है। तो उस थीम को आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कस्टम आप वॉलपेपर को रिप्लेस कर देना। रिप्लेस करने के बाद कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको लॉक स्क्रीन के ऊपर सेट कर देना एंड कुछ इस टाइप का आपके सामने लॉक स्क्रीन रेडी हो जाएगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और डिफरेंट टाइप के कस्टमाइजेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।